जापान में अभी रात हुई थी, पर मैं पाको पायान और बूबी पेट्रोलिंग करके अपने घर वापस जा रहे होते हैं। पायान और बूबी गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं, पर मैं सोचता है कि मुझे भी पाको को बोल देना चाहिए कि मैं पाको से कितना प्यार करता हूँ। पाको ने उस दिन मिरर के ज़रिए बता दिया था वो मुझसे प्यार करती है, पर मैं ये सोच रहा होता है कि पाको अपने मन में सोचती है कि परमैन को मैंने बता दिया कि मैं परमैन को पसंद करती हूँ, लेकिन परमैन ने उसका जवाब नहीं दिया। पाको ये सब सोच रही होती है कि परमैन पाको को गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। पाको कहती है कि परमैन मुझे पसंद नहीं करता। फिर पाको वहाँ से इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। परमैन अपने घर पहुँचकर वहाँ रोबोट से कहता है कि रोबोट मैं कैसे कहूँ कि मैं पाको को पसंद करता हूँ। रोबोट कहता है कि कल जब पाको से मिलना तो उसे बता देना कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पर मैन कहता है ठीक है रोबोट, रोबोट मैं कल बता दूंगा। थोड़ी देर बाद गायकों कमरे में आती है, कहती है कि चलो मॉम ने खाना खाने बुलाया है। खाना खाकर मिट्सुओ सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह परमैन का बैच बज रहा होता है। परमैन उसे पिकअप करता है तो पायान कहता है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, पाको बूबी को लेकर जल्दी से आओ। परमैन हादसे वाली जगह पहुँच जाता है, तभी देखता है कि बस ब्रिज से नीचे गिर रही होती है। पाको जाकर बस संभालने की कोशिश करती है कि तभी पाको का पैर फिसल जाता है और पाको बस के नीचे दब जाती है। परमैन देखकर घबरा जाता है, तुरंत बस को उठाता है। परमैन सेट की वजह से बच जाती है। परमैन देखकर बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीता। पाको परमैन की बात सुन लेती है। फिर हादसे वाली जगह क्लियर करके पायान बूबी अपने घर चले जाते हैं। तभी परमैन पाको को लेकर बहुत ही खूबसूरत जगह पर चले जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाता है और पाको को गुलाब देकर कहता है कि पाको मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू पाको।